क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद आपत्ति बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँ। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा कुछ देखते हैं क्या? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लूट रही है, हर महीने रेप हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फ़ायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप ठीक है, डिस्चार्ज कर जा रहा? हाँ ठीक हूँ, बस जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया, अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जारी है, पहले से आराम है, बस एक जलन और वो घाव है, जख्म वो तो है ही, तो सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, फ्लक्चुएट अप डाउन हो रहा था, वो अब ठीक है पहले से।